الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का फजल है। जैसे आप लोगों को पता था कि लॉकडाउन चल रहा था, तो फाइनली स्विट्ज़रलैंड में लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो गया। इस महीने के 11 तारीख को लॉकडाउन नॉर्मली ख़त्म हो गया था। तो अभी जो है स्विट्ज़रलैंड में सारी दुकानें और जो भी चीज़ें हैं वो मतलब मार्केट है वगैरह वो खुल गई हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जब सब कुछ बंद होता है तो वैसे ही मज़ा कुछ भी नहीं आ रहा होता। मुझे तो संडे का दिन भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि सब कुछ बंद होता है। तो आज मैं जा रहा हूँ नुशतन, क्योंकि मेरा जो ओस्मो मोबाइल एक गिम्बल है मेरे पास, तो वो मैंने बेच दिया है। तो आज आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर जब आप चीज़ें बेचते हो या ख़रीदते हो तो वो उसका क्या सिस्टम है। तो आज के ब्लॉग में जुड़िए रहिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है। और जो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज ये हमारे जो गांव है उसका ट्रेन स्टेशन है, छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ दो वॉय हैं, मतलब दो जो प्लेटफॉर्म है, एक ये है और एक इस साइड पे है। ये जो ये वाला साइड है तो ये फ्रांस जाता है, मतलब ये डायरेक्ट फ्रांस जाता है, और ये वाला जो है ये नुशतल जाता है। तो अभी मैंने आमिर को कॉल की है, बस आमिर भी जैसे ही आता है तो हम ट्रेन पकड़ के इंशाल्लाह नुशतल जाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर कैसे ख़रीदारी आप कर सकते हो ऑनलाइन और चीज़ें कैसे बेच सकते हो। तो वो जो बंदी है जिसने लेना है उसके साथ मैंने रब्ता तो किया, उसने बताया तो है कि वो नुशतल में आएगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, तो जुड़ी रहेंगे इंशाल्लाह हमारे साथ। आइए चलिए देखते हैं, सारी मार्केटें खुल गई हैं। तो ये हमारे जो ट्रेन स्टेशन है वो है, और यहाँ से अभी तकरीबन 5 मिनट बाद जो है हमारी ट्रेन आएगी, तो ट्रेन पकड़ कर नुशतल चलते हैं। और आज हमारा एक दोस्त है तो उसने एक घर भी लिया है नया, तो उसको भी हम विज़िट करेंगे। तो ज़बरदस्त दिन भी है और बहुत ज़बरदस्त धूप है, ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है आज का। गाइस आमिर मशवरा दे रहा है, कह रहा है कि हम जो है ना यहाँ पर क्यों ना एक बार खोल लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कमाई है और स्पेशली जो गर्मियाँ होती हैं गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है। तो आमिर कह रहा है कि तो अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने और इसने फ्यूचर में इंशाल्लाह यहाँ पर कोई ना कोई कारोबार डालकर ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कारोबार डालेंगे तो सही पैसे कमा सकते हैं। और नौकरियों में बस वही है आपकी तनख्वाह होगी, लेकिन कारोबार में ये है कि आपको जितना होगा आप कमा सकते हैं और यहाँ पर बहुत काम है। तो आमिर आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों अल्लाह के करम से हमने ट्रेन पकड़ ली है, ट्रेन के अंदर मैं और आमिर बैठ गए हैं। तो यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर का रास्ता है नुशतल जाने का, तो नुशतल हम जाएंगे और वहाँ पर ये चीज़ भी बेचेंगे जो मैं लाया हूँ मेरे बैग में है, मैं आपको उधर ही दिखा दूँगा। और उसके बाद एक दोस्त है हमारा, तो उसने एक नया घर लिया है तो उसको भी विज़िट कर लेंगे। वो एक्चुअली किसी और जगह पर रहता था, तो अभी वो किसी और जगह पर उसने घर ले लिया। यहाँ पर घर बदलना भी एक बहुत मसला होता है, आपको बहुत ढूंढना पड़ता है और काफ़ी रिक्वायरमेंट्स इनकी होती है जिसकी वजह से आपको घर नहीं भी मिल सकता। मतलब इनके सारे रिक्वायरमेंट्स जितने भी है ए टू जेड उसको आपने पूरा करना होता है। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त मौसम है और हम अपने सफ़र पर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में नुशतल उतर कर कंटिन्यू करते हैं।
गाइज आज मैंने और आमिर ने जो है दोस्ती की मिसाल रखते हुए दोनों ने एक ही तरह के शर्ट पहने हुए हैं। आप देख सकते हैं आमिर और मैं दोनों एक ही शर्ट में बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और दोस्ती और ब्रदरहुड जो जिसे कहते हैं मतलब ब्रदरी की एक मिसाल हम लोगों ने कायम की है। और हमेशा हम यही चाहते हैं क्योंकि मैं और ये जब जाते हैं शॉपिंग करने तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए जो शॉपिंग करते हैं तो एक जैसी करें। तो इसमें ये होता है जब हम दोनों एक साथ की शर्टें पहनकर निकलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है हमें। गाइज हम पहुंच गए, नौशतल पहुंच गए। अभी देखते हैं मैं उस औरत को कॉल करता हूं, बस वो आ जाए तो उसको ये चीज़ देते हैं, उसके बाद जाते हैं घर पे। आमिर हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ आमिर, उस बंदी को मैं कॉल करता हूं ना वो इधर आ जाए। शांति ओके से जस्ट ला En fait, quand j'avais acheté, c'est le original box pour ça. Ouais, ça vient juste avec le câble. Parce que pour le charging là, si vous voulez essayer tout de suite, je peux brancher avec mon téléphone. Alors, normalement, ça c'est le caméra direct. Mais pour celui-là, il faut que vous téléchargez cette application-là, DJI Go. Après, parce qu'avec ça, il y a des fonctions self-tracking. Parce qu'avec caméra directe, il n'y a pas. Ouais. Et il marche parfait. Moi, j'ai fait vidéos sur YouTube. Alors, moi, je sais, c'est parfait. Il n'y a rien de problème. Même s'il y a, par exemple, quelque chose, vous pouvez m'écrire. D'accord, ça marche. Ouais, je suis quelqu'un correct. Hein. Merci beaucoup. Merci. 80. Ouais. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez juste retirer le. J'ai pas. Ah, ok. Non, non, pas de souci. Ouais, il est là. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste, can you please just tell my viewers to subscribe my channel? Oui. Juste subscribe my channel. Okay, so subscribe. His channel. His challenge. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Thank you. Have a good day. Bye bye. तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ओस्मो मोबाइल मैंने भेज दिया है। वो जो मैडम थी वो आ गई थी, उसने ओस्मो मोबाइल ले लिया है। तो हम एक्चुअली ट्रेन में उतरे हैं तो हम एक नौशतल से दूसरी मतलब थोड़ा सा एक स्टॉप आगे हैं नौशतल से। तो यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि ये जो भाई हैं तो इसने यहाँ पर घर लिया है जो हमने GPS लगाया हुआ है। तो अभी हम उस घर में जाकर देखेंगे और फिर इधर ही कहीं बैठ जाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि हवा भी अच्छी है। तो दोस्तों ये वाला घर है, इस बंदे ने देखा है, लेकिन हमने एक्चुअली नॉक किया है लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं अभी। तो ये इस बंदे ने 26 तारीख के बाद वहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट होना है। क्या है? किचन है। बिल्डिंग तो इसकी जो है ना, देखें आप, पूरी जो है ना ऐसे ऐसे ऊपर जाके। मेरी बिल्डिंग सही है, मेरा जो है फर्स्ट फ्लोर पे है ना। तो गाइस घर तो हमने देख लिया है, अभी हम थोड़ा सा बाहर जाके रेस्ट करने के लिए किसी पार्क में बैठेंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग के साथ या देख सकते हैं यहाँ पर साइकिलों का भी नीचे बिल्डिंग में ये सहूलतें होती हैं। तो गाइस यही इसकी बिल्डिंग है। तो अभी मेरा ख्याल है आमिर क्या करें, इधर मेरा ख्याल है इधर जाकर बैठ जाते हैं, पार्क है, गर्मी भी लग गई है। पानी के पास चलते हैं। Thank you.
तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त जगह हमें मिल गई है। हम बिल्कुल बीच, अभी ये जज़ीरा है, मतलब ये लेक के बीच में एक रास्ता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों अतराफ से पानी पानी है और हमें बहुत ही ज़बरदस्त जगह मिल गई है। वो आप देखें, वो बेंच पे अभी हम जाकर बैठेंगे और थोड़ी देर इन्जॉय करेंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में आजकल जो मौसम है और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि लोग घरों में फंसे हुए थे काफ़ी महीनों से, तो लिहाजा लोग बाहर निकले हैं और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग मेरे सामने पीछे किश्तियों पे अपना जनाब, बहुत ज़्यादा किश्तियाँ आज निकली हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। तो आज हम आ गए इधर, आप देख सकते हैं कि ये हम आ गए हैं जनाब इधर, अभी हम बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए जो है अपने आप को ज़रा इन्जॉय करते हैं। अभी हम यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर, मौसम बहुत ही अच्छा है, लेक के बिल्कुल हम करीब बैठे हुए हैं, ये सामने मेरे से लेक है, तो यहाँ पर अभी शाम होने वाली है, थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद वही अपना सिस्टम ट्रेन पकड़ कर अपने घर जाएंगे। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिएगा, आप लोगों को व्लॉग कैसे लगा और आप लोगों के जो भी सवालात हैं वो आप लोग मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसके जवाब ज़रूर दूंगा। तो गाइस ये तो था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों के साथ मिलेंगे किसी और नई जगह, किसी और नए व्लॉग के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों और अपने अजीजों का रब का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।